देवास जिले के खातेगांव में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के बैनर तले क्षेत्रीय विधायक आशीष शर्मा के नेतृत्व में विशाल धरना प्रदर्शन और मुख्यमंत्री के नाम अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। खातेगांव में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने भारी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ कमलनाथ सरकार का विरोध किया, साथ ही किसानों को हो रही परेशानियों का उल्लेख भी किया। समस्त भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने SDM को किसानों की समस्या से अवगत कराते हुए कमलनाथ सरकार के विरोध में ज्ञापन दिया। खातेगांव से सादिक खान की रिपोर्ट। क्षेत्र के किसानों की निम्न समस्याओं के निराकरण करने बाबत महोदय जी, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि आप एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। हमारे लगभग 52 गाँव को पिछले वर्ष की ओला पीड़ित की राशि बीमे की अभी तक नहीं मिली है। खातेगांव में बड़े पैमाने पर मूंग उत्पादन किया जाता है और प्रतिवर्ष यहाँ पर मूंग की खरीदी होती थी शिवराज जी की सरकार के समय, लेकिन इस बार ना तो मूंग की खरीदी के बारे में कोई निर्देश आए, ना मूंग खरीदी होगी इस बारे में कोई अधिकारी स्पष्ट तौर पर बता रहा है। पिछली बार कन्नौज मंडी में हमारे इस सब डिवीजन की खातेगांव विधानसभा क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों की प्याज खरीदी हुई थी, लाखों क्विंटल प्याज यहाँ से खरीदा गया था, लेकिन इस बार प्याज खरीदी केंद्र भी हमारे कन्नौज खातेगांव में। किसानों के साथ बहुत बड़ा पक्षपात इस समय सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इनसे जुड़ी और कई सारी मांगों को लेकर किसानों को समय पर खाद बीज सोसाइटियों से मिल जाए, इसकी भी मांग हमने की है, और व्यापारी जो किसानों को पैसा लेके गए वो भी समय सीमा में किसान भाइयों को मिले, इस सब को लेकर हमने आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया था। और जिला प्रशासन को SDM के माध्यम से सरकार को हमने आगाह किया है, अगर 15 दिन में हमारे जो मुख्य 3 बिंदु है, प्याज की खरीदी खातेगांव में प्रारंभ की जाए, मूंग की खरीदी खातेगांव में प्रारंभ की जाए, 1 महीने पहले जो किसान भाइयों ने चना बेचा है उसका भुगतान अतिशीघ्र किया जाए, और 52 गांव के किसानों को ओला पीड़ित की राशि बीमे की अतिशीघ्र दिलवाया जाए, उसके संबंध में जिला प्रशासन तत्काल निर्देश जारी करे कि कितनी समय सीमा में किसानों को राशि मिलेगी, अन्यथा 15 दिन बाद हम जिला कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने के लिए खातेगांव से आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। आज किसान भाई बड़ी संख्या में पधारे, इसके लिए मैं उनका बहुत आभार हूं। बार बार व्यापारी मंडी बंद कर देते हैं, उसके लिए भी क्या? बिल्कुल, हमने आज बात की किसानों के माध्यम से, मंडी के अधिकारियों से भी चर्चा की है, SDM महोदय से भी चर्चा की है कि किसान इतनी भीषण गर्मी में अपने रोजमर्रा के कार्यों के लिए अपनी उपज थोड़ी बहुत मात्रा में लेकर मंडी में आता है, और अगर मंडी बंद है तो ये सरकार का और व्यवस्था का बहुत बड़ा फेलियर है। तत्काल मंडी चालू होना चाहिए, किसान जो अन्नदाता है उसके लिए अगर 1 दिन भी मंडी बंद रह रही है तो उस किसान के साथ ये बहुत बड़ा अन्याय है, उसको औने पौने दाम में अपने गाँव के आसपास अपनी फसल बेचना पड़ रही है, जबकि मंडी में उसकी फसल को सही दाम भी मिल सकता है और उसके पैसे की वापसी की भी सुनिश्चितता हो सकती है, लेकिन मंडी भी ठीक से नहीं चल पा रही है। ये सरकार कहीं से कहीं तक भी किसान हितैषी नहीं है, बल्कि 2 लाख रुपए का कर्जे माफी की घोषणा करके इस सरकार ने किसानों का सब कुछ छीन लिया है। थोड़ा सा किसानों को देकर इस सरकार ने किसानों को पूरा लूटने का काम किया है, इसलिए कमलनाथ की सरकार को मैं किसानों के लिए लुटेरी सरकार मानता हूं। थैंक यू।